13 साल आपकी उम्र है, 9th क्लास की आप स्टूडेंट हैं। हमारे पास मे मोबाइल है ज़्यादातर तो, और काफ़ी एक्सेसरीज हैं, वॉच हैं, LEDs हैं, हर एक चीज़ अवेलेबल है, टच मोबाइल, आईफोन 15 प्रो मैक्स ऐसा कुछ मुझे। आपकी और सिस्टर्स भी हैं? भाई सिस्टर भी बैठती है। तो वो भी बैठती है, मदर हैं, वो आपको ये नहीं कहती कि घर के काम करो तुम उधर चले जाती हो? नहीं नहीं, मेरी बहनें और भी हैं तो वो कर लेती हैं मम्मा के साथ काम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं निर्मल से, जो कि 9th क्लास की स्टूडेंट हैं, एक नई मोबाइलों की एक शॉप चलाती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक। अच्छा बताएँ कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी 13। 13 साल आपकी उम्र है, 9th क्लास की आप स्टूडेंट हैं, मोबाइलों की आप शॉप चलाती हैं, कैसे ये जहन में ख्याल है? वैसे शुरू से बैठती थी तो फिर आप भी बैठना शुरू किया। तो शॉप आप चलाती क्यों हैं? अपने फादर के साथ आप चलाती हैं? हाँ जी। तो जब कस्टमर आते हैं तो वो आपको आके कुछ कहते नहीं हैं, आपको तंग नहीं करते? नहीं, ऐसा किसी ने भी नहीं किया कुछ। कस्टमर से डील करना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसे समझाना या उसे किसी की भी चीज़ के बारे में गाइड करना एक पूरी नॉलेज चाहिए होती है। आपको पता है हर चीज़ के बारे में? हाँ जी, पापा ने बताया, और वैसे भी जो ना समझ आए वो भाई बता देते हैं। तो इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आप जब शॉप पे बैठती हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं और घर वाले हैं, वो तो नहीं कुछ कहते कि क्यों शॉप पे बैठती हो? नहीं, उनको अच्छा लगता है कि मैं बैठती हूँ नीचे, प्राउड फील करते हैं। आप आपकी और सिस्टर्स भी हैं? भाई सिस्टर भी बैठती है। तो वो भी बैठती है? तो आप मुझे बताएं कि अपना आप शॉप पे बैठती हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि आप स्कूल भी जाती हैं तो आपकी कोई दोस्तें आ गई हों या आपकी टीचर्स आ गई हों चीज़ें लेने? नहीं, नहीं हुआ अभी, ऐसा नहीं हुआ। नहीं। तो कभी आपके किसी आपके फादर के किसी दोस्त ने आके कहा कि क्यों बिठाया या इस तरह का कोई बात करते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कहते वो, सब कहते हैं कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमने बिठाया अपनी बेटी को, और वैसे भी हमारा भाई नहीं है इसलिए फिर बैठते। तो आप कंप्यूटर पे इसका हिसाब किताब रखना और चीज़ों को मैनेज करना और बिल बनाना, वो सारा कुछ आपको आता है? हाँ जी, पापा ने सिखाया होगा। पापा ने आपको सिखाया? मैं देख रहा हूँ आपको टूर भी मिला था G5 वालों की कंपनी की तरफ से, तो इस आप टूर पर गई थी? नहीं नहीं गए थे। तो क्या कौन पापा गए थे आप कैसे? हाँ। तो इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आगे आप स्टडी कंटिन्यू है आपकी, तो आगे आप क्या करेंगे? आगे बड़ा बिजनेस करेंगे, मॉल तक बनाएंगे, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो मुझे बताएं कि कितनी उम्र थी आपकी जब से आप शॉप पे बैठ रही हैं? मैं शुरू से बैठ रही हूँ। शुरू से, बचपन से? हाँ। अब आगे अपनी खुद की शॉप बनाने का रहता है या अपने फादर के साथ ही काम करेंगे? मेरे पापा के साथ ही करेंगे। अपने फादर के साथ ही काम करेंगे। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आप की जो मदर हैं वो आपको ये नहीं कहती कि घर के काम करो तुम उधर चले जाती हो? नहीं नहीं, मेरी बहनें और भी हैं तो वो कर लेती हैं मम्मा के साथ काम, मुझे नहीं कहती। कभी ऐसा हुआ किसी कस्टमर के साथ लड़ाई हो गई हो? नहीं लड़ाई हुई नहीं। तंग नहीं करते आगे, मतलब बार बार कोई चीज़ पसंद ना आ रही हो या इस तरह कोई तंग नहीं? नहीं, अगर ऐसा हो भी तो भाई हैंडल कर लेते हैं, इतना कोई मसला नहीं होता। तो डर नहीं लगता अगर किसी ने आपके साथ बदतमीजी कर ली तो? नहीं डर लगता। आखिर पे आप जो देखने वाली आपकी जैसी और भी लड़कियाँ जो कि बाहर निकलने से डरती हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं उनको कहना चाहती हूँ इधर बाहर निकले, काम करें, डरे ना, इधर बाहर निकले और कोई ना कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करें, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, फिर आप लोग काफ़ी बड़ा कर सकते हैं, तो एक दफ़ा बाहर निकले। आपको पहले उन्होंने टूर दिया आप नहीं गई, अगर आप दोबारा देते हैं फिर आप जाएंगी? नहीं, काफ़ी दफ़ा दिया हुआ है, नहीं गई। नहीं गई, फादर ही जाते हैं? हाँ, अगली दफ़ा शायद जाए। तो इसके अलावा आप मुझे बताएं कि जब मोबाइलों की आपके पास कौन कौन सी एक्सेसरीज मौजूद हैं, किस तरह की चीज़ें आप सीखें? हमारे पास मे मोबाइल है ज़्यादातर तो, और काफ़ी एक्सेसरीज हैं, वॉच हैं, LEDs हैं, हर एक चीज़ अवेलेबल है, टच मोबाइल, आईफोन 15 प्रो मैक्स ऐसा कुछ मुझे। इसके अलावा आप बताएं कि आप 9th में आप क्या पढ़ रही हैं? 9th में मैंने जो सब्जेक्ट रखा है वो मैंने कंप्यूटर साइंस रखा है, क्योंकि शो से रिलेटेड पापा ने कहा था कंप्यूटर साइंस रखना है, बायो नहीं रखना। तो आगे आप जब ICS करेंगे उसके बाद आप बिजनेस के रिलेटेड ही पढ़ेंगे? हाँ जी। तो लड़कियों को होता है कि हम अक्सर लड़कियों की जो फील्ड है वो मैंने देखी है कि डॉक्टर बनती हैं,
तो आपको ये नहीं है तो कि मैं डॉक्टर बनूँ या इस तरह का कोई फील्ड में जाऊँ? लॉयर बनने का शौक है, बनूंगी। लॉयर बनेंगे, साथ बिजनेस भी करेंगे। अच्छा निर्मल, हमें बताएं कि ऐसा कभी हुआ है कि आप शॉप पे मौजूद हों और किसी कस्टमर ने चोरी कर ली हो या कोई चीज़ उठा ली हो? एक दफ़ा हुआ था, वो देख हम मोबाइल चेक कर रहे थे तो वो उठा के भाग गया, फिर शेयर से उसे पकड़ के लाए थे घर। तो ऐसा हुआ है कभी कि आप किसी दोस्त ने जैसे गुजरते हुए आपको शॉप पे बैठे देखा हो, अगले दिन स्कूल में जाके उसने फिर आपको बताया हो कि मैंने आपको देखा था काम करते हुए? हाँ, एक दोस्त ने देखा होगा, उसने फिर पूरे स्कूल में शो किया था मुझे। तो टीचर्स अप्रिशिएट करती हैं आपको इसमें? हाँ जी करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं।